Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. भारतीय राजनीति से संबंधित हमारी चर्चा के श्रृंखला में अभी तक हमने अलग अलग कई विषयों पर बातचीत की है हमने भारतीय संविधान के विभिन्न आयामों की चर्चा की है भारतीय राजनीतिक दलों के बारे में हमारी विस्तृत चर्चा हुई है आज मैं आपसे भारत में सामाजिक आंदोलनों के बारे में बातचीत करूंगा मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि सामाजिक आंदोलनों में हम किन आंदोलनों को शामिल कर सकते हैं भारत के संदर्भ में सामाजिक आंदोलनों का विश्लेषण किस तरीके से किया गया है यानी कि अलग अलग विद्वानों ने इसे किस रूप में रखा है मेरी एक कोशिश यह भी होगी कि मैं आपको यह बताऊं कि कुछ ऐसे सामाजिक आंदोलन जिन पर हम अलग से एपिसोड नहीं कर रहे हैं वो किस प्रकृति के रहे हैं और उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं मिसाल के तौर पर आगे के एपिसोड्स में मैं आपसे किसान आंदोलन की बात करूंगा, ट्रेड यूनियन आंदोलन की बात करूंगा या महिला आंदोलन की बात करूंगा, पर शायद पर्यावरण पर हम अलग से विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे तो सामाजिक आंदोलनों की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की पड़ताल करते हुए मेरी ये कोशिश होगी कि ऐसे आंदोलनों के बारे में आज की इस एपिसोड में मैं आपको एक समझ दे पाऊँ आज की हमारी जो पूरी चर्चा है उसकी जो रूपरेखा है वो इस प्रकार से रहेगी कि सबसे पहले आ, हम एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे फिर घनश्याम शाह और उनके साथ एम एस ए राव का जो विश्लेषण है आ, उनके पहले एम एस ए राव और फिर घनश्याम शाह के विश्लेषण को सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में आ, हम समझने की कोशिश करेंगे हमारी आ, कोशिश यह भी रहेगी कि जो गैर दलीय राजनीति या नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस दलीय राजनीतिक प्रक्रिया के बारे में रजनी कोठारी और दूसरे उनके साथ जुड़े विद्वानों ने जो सूत्रीकरण किया है उसकी एक समझ बनाएं और इनकी आलोचनाओं पर भी हमारा ध्यान रहेगा और फिर दो अलग अलग तरीके की पहलू जो कि 1980 और 1990 के दशक में उभर कर सामने आए एक तो है सहभागी प्रेक्षण का और यानी कि पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन का और दूसरा जो है वो किस तरीके से जो दूसरे देशों में या वैश्विक स्तर पर आंदोलन चल रहे हैं उससे जुड़ाव कायम किया जाए यह जो एक प्रवृत्ति सामाजिक आंदोलनों में उभर कर सामने आई है वह उससे जुड़ा हुआ है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इन सभी पहलुओं पर आपके सामने एक आ, समझ प्रस्तुत कर सकूं अगर हम अपने देश में सामाजिक आंदोलनों की बात करें तो यह बात बिल्कुल साफ़ तौर पर सामने आएगी कि हमारे देश में सामाजिक आंदोलनों की एक पुरानी परंपरा रही है विशेष रूप से अगर हम औपनिवेशिक दौर से देखें तो हम यह देखेंगे कि कई ऐसे आंदोलन रहे हैं जो सीधे तौर पर राजनीति को पूरी तरीके से बदलने या राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने से जुड़े हुए नहीं रहे हैं बल्कि उनका लक्ष्य एक सीमा तक समाज की किसी विशेष आयाम पर ध्यान देने का रहा है हालांकि कुछ ऐसे आंदोलन भी रहे हैं जिनका लक्ष्य समाज में आमूलचूल या रेडिकल बदलाव का रहा है लेकिन जो मुख्य बात हमें याद रखने की ज़रूरत है वह यह कि सामाजिक आंदोलनों की एक लंबी परंपरा रही है राजनीतिक भागीदारी के औपचारिक संस्थागत दायरों से बाहर रहकर लंबे अरसे तक संगठित आंदोलनकारी गतिविधियां करने की राजनीतिक परंपरा की शुरुआत आज़ादी के पहले ही हो गई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में चला ब्राह्मण विरोधी आंदोलन और दीर्घ काल तक चलने वाले कई किसान आंदोलन इसके प्रमाण हैं आज़ादी के तुरंत बाद जमीन पर अधिकार के लिए चलाया गया तेलंगाना का संघर्ष और पचास के दशक में भाषावार राज्यों की रचना के लिए चलाए गए संघर्ष भी सामाजिक आंदोलनों की श्रेणी में आते हैं शुरुआत में भारतीय समाज वैज्ञानिकों का ज़्यादातर ध्यान औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं चुनावी प्रतिनिधित्व संघवाद और अंतर्राष्ट्रीय नीति से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को समझने पर ही था यानी कि उन्होंने यह कोशिश की कि, कि किस तरीके से जि जिसे हम औपचारिक संस्थात्मक राजनीति कह सकते हैं उसे समझा जाए यानी कि चुनाव कैसे हो रहे हैं संसद किस तरीके से काम कर रही है संघवाद किस तरीके से काम कर रहा है इन सभी पहलुओं के विश्लेषण पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था लेकिन जो सामाजिक स्तर पर चीज़ें गतिशील थी जो लोग खुद को संगठित करके कुछ ख़ास मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते थे उन्हें कैसे समझा जाए इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था इतिहासकारों ने भी आज़ादी से पहले होने वाली समाज की सामूहिक राजनीतिक कार्रवाइयों को उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी आंदोलन की विभिन्न धाराओं की संज्ञा देकर अपना काम चला लिया था भारत में सामाजिक आंदोलनों की परिघटना पहली बार सत्तर के दशक में रेखांकित की गई अब यहाँ एम एस राव के वर्गीकरण की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि जिसे हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं उसका जुड़ाव भी राजनीति से होता है और उसमें से कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही रेडिकल बदलाव समाज में लाना चाहते हैं कुछ आंदोलन ख़ासतौर पे जो बाद के दशक में उभर कर सामने आए उनमें खास मुद्दों पर ध्यान दिया गया जिसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे लेकिन आ, हमें यह नहीं समझना है कि जो सामाजिक आंदोलन है उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जिस रूप में हमें हम राजनीति को समझते हैं या जिस रूप में हमें राजनीति को समझना चाहिए वह जीवन के हर भाग से संबंधित है तो अगर जाति के में जो अस्पृश्यता है या जाति व्यवस्था में जो असमानता है उसके खिलाफ कोई आंदोलन चलता है तो निश्चित रूप से वो राजनीतिक बदलाव के लिए भी है लेकिन जब हम राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों की श्रेणी की बात करते हैं तो मोटे तौर पर हमारे मन में यह तस्वीर होती है कि जो आंदोलन मुख्य रूप से राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने और उस कब्जे के माध्यम से चीज़ों को बदलने की बात करता है उसे हम एक स्तर तक राजनीतिक आंदोलन की श्रेणी में रख देते हैं और जिसमें सामाजिक स्तर के मुद्दों को उठाकर सामने लाने की बात कही जाती है उसे हम सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में रख देते हैं हालांकि इस तरीके का विभाजन काफ़ी धुंधला होता है कई सारे आंदोलन या जो राजनीति को बहुत व्यापक अर्थ में समझने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि हर एक आंदोलन अपने आप में राजनीतिक आंदोलन है लेकिन हम सामाजिक उसको शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो लोग गोलबंद होते हैं उन्हें वो एक ख़ास सामाजिक मुद्दों के आधार पर अपने आप को एक दूसरे से जोड़ते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि कुछ सामाजिक जो मुद्दे हैं उन्हें वो सुलझाएं वो मुद्दे समाज की कुरीतियों से जुड़े हो सकते हैं वो मुद्दे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से संबंधित हो सकते हैं और कई बार वो जो ज़मीन की असमानता है उससे भी संबंधित हो सकते हैं और बाद में उनका स्वरूप काफ़ी बड़ा हो सकता है और उसमें वो इस लक्ष्य को भी शामिल कर सकते हैं जो कि राजनीतिक लक्ष्य है और खुले तौर पर औपचारिक राजनीति का लक्ष्य हो जाता है कि हम देश की सत्ता पर अपना कब्जा करेंगे जैसा कि नक्सलवादी समूहों ने किया तो हमें इस महीन अंतर को ध्यान में रखना होगा अगर हम एम एस ए राव के वर्गीकरण की बात करें तो उन्होंने आ, भारत के सामाजिक आंदोलनों को चार भागों में बाँटा था और एमएसए राव का वर्गीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तरीके से आ, यह बताते हैं कि कैसे सामाजिक आंदोलन की जो विभिन्न धाराएं हैं उनमें अंतर भी होता है और वो अंतर जो होता है वो उनकी प्रवृत्ति के आधार पर होता है यानी कि हम सभी सामाजिक आंदोलनों को एक ही आ, खाते में नहीं डाल सकते हैं कि हर आंदोलन एक जैसा है तो उन्होंने ये कहा कि जो पहला आंदोलन जो उन्होंने एक पहली श्रेणी बनाई वह है पूरे समाज को बदल डालने वाले इच्छुक क्रांतिकारियों का आंदोलन जिसमें उन्होंने नक्सलवाद को सम्मिलित किया था और इसके बारे में कुछ मिनट पहले मैंने आपको बताया भी कि कैसे शुरुआत यह ज़मीन के मुद्दे से होता है ऐसे आंदोलनों का और बाद में यह आंदोलन काफ़ी आगे बढ़ जाता है आगे मैं थोड़े विस्तार में इस पर बात करूंगा और कई अन्य एपिसोड्स में जब हम अलग अलग मुद्दों की चर्चा करेंगे तो नक्सलवाद के बारे में कुछ चर्चा जरूर आपके सामने आएगी दूसरे तरह का आंदोलन राव के अनुसार सुधारवादी आंदोलन होता है जैसे पिछड़े वर्गों की मुहिम होती है इसमें हम आ, ए, उन मुहिमों को शामिल कर सकते हैं जिसमें कि एक पिछड़ी हुई जाति या एक वंचित समूह अपने हितों को पूरा करने की कोशिश करता है जिसमें वो यह कोशिश करता है कि आ, मिसाल के तौर पर सरकारी नौकरियों में आ, उसकी जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़े या वो यह कोशिश करता है कि उसके समाज के भीतर जो कुरीतियाँ हैं वो आ, बाहर निकले समाज से या जो दूसरी जाति के लोग हैं वो उसके साथ समानता का बर्ताव करें तो ये एक तरीके से सुधारवादी आंदोलन होते हैं और तीसरे स्तर पर कुछ सामाजिक समूहों द्वारा अपनी विमुक्ति के लिए चलाई गई रेडिकल मुहिमें होती हैं और इसमें अगर कोई सामाजिक समूह बिल्कुल ही हाशिए पर पड़ा है समाज के द्वारा उसको बिल्कुल ही तिरस्कृत किया जा रहा है तो वो कैसे अपने अधिकारों को पूरी व्यवस्था के भीतर हासिल करे या समाज में अपने लिए मान्यता हासिल करे यह उससे संबंधित होता है और चौथा जो एम एस ए राव के अनुसार आ, एक तरीके का सामाजिक आंदोलन होता है वह सीमित परिवर्तन के लिए कुछ खास समूहों द्वारा चलाया जाने वाला वैकल्पिक आंदोलन होता है और यह सीमित परिवर्तन पर्यावरण के आधार पर उसकी मांग की जा सकती है आ, शहरों में आ, जो आ, अलग अलग तरीके की प्रदूषण की समस्या है उसके लिए जो समूह आंदोलन चलाते हैं ऐसे आंदोलनों को इस श्रेणी में शामिल किया जा सकता है सामाजिक आंदोलन अगर हम सामाजिक आंदोलनों की बात करते हैं हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करते हैं तो उसमें घनश्याम शाह का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वान के रूप में लिया जाता है घनश्याम शाह ने भी आंदोलनों का वर्गीकरण किया उन्होंने यह देखने पर जोर दिया कि कोई आंदोलन राजनीतिक प्रणाली में किस तरह का परिवर्तन चाहता है पचास और साठ के दशक में अमेरिकी समाज वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले सिद्धांतिकरण का इन अध्ययनों पर भी असर था यानी कि घनश्याम शाह जैसे विद्वानों के अध्ययनों पर और साथ में उनके प्रभाव से हटकर इन विद्वानों ने विश्लेषण करने की कोशिश की मिसाल के तौर पर घनश्याम शाह ने सत्तर के दशक में गुजरात और बिहार में चले छात्र आंदोलनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इसे अमेरिकी इस अमेरिकी थीसिस को नकार दिया कि सामाजिक आंदोलन वंचित होने की स्थितियों से उपजते हैं कुल मिलाकर भारतीय विद्वानों द्वारा विकसित किए गए संसाधनों की लामबंदी के सिद्धांत को खास तरजीह नहीं दी और सिर्फ उसी के आईने में भारतीय स्थितियों को देखने से इनकार कर दिया यानी कि जो अमेरिकी विद्वान थे उन्होंने रिसोर्सेज के लिए जो एक मोबिलाइजेशन होता है जो अलग अलग समूह सक्रिय होते हैं उसके संदर्भ में सामाजिक आंदोलनों को देखा था लेकिन घनश्याम शाह जैसे विद्वानों ने इससे अलग हटकर अपनी बातों को रखा और जैसे घनश्याम शाह छात्र आंदोलनों के संदर्भ में अध्ययन करते हुए यह बताते हैं कि इस तरीके के आंदोलन जो राजनीतिक शक्तियाँ चला रही थी उनकी वर्गीय पृष्ठभूमि को भी देखने की ज़रूरत है और इस वर्गीय पृष्ठभूमि के कारण ही आंदोलनकारी कार्यक्रम और रणनीति को एक खास दिशा मिली वर्ग और सामाजिक आंदोलनों की की इस अन्योन क्रिया या एक आपसी की प्रक्रिया ने आगे कई विश्लेषणों को प्रभावित करना जारी रखा इस जगह भी भारतीय समाज वैज्ञानिक उस यूरोपीय थीसिस से अलग नजर आते हैं जो आंद्रे गो रोडोल्ड बहरो और यूर्गन हेबरमास वगैरह ने अस्सी के दशक में सूत्रबद्ध की थी कि सामूहिक राजनीतिक कार्रवाई के लिए वर्ग की श्रेणी कारगर नहीं रह गई है तो चाहे वो घनश्याम शाह का विश्लेषण हो या कुछ अन्य विद्वानों का उसमें वर्ग की श्रेणी का प्रयोग किया गया कि जो एक राजनीतिक आंदोलन या सामाजिक आंदोलन जो एक संगठित हो रहा है उस सामाजिक आंदोलन में किस वर्ग के लोग हिस्सा ले रहे हैं या वो किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण आधार हो जाता है आ, किसी भी आंदोलन का विश्लेषण करने के संदर्भ में उस आंदोलन को समझने के संदर्भ में आ, विद्वानों ने इस बात को भी रिख्वाकित किया घनश्याम शाह इसमें सबसे प्रमुख थे कि भारतीय परिस्थितियां यूरोप से बहुत अलग भी हैं और सत्तर के दशक में भारतीय समाज पर संस्थागत दायरों के बाहर अपनी दावेदारी पेश करने वाली राजनीतिक गतिविधियां जो हैं वो उभर कर सामने आई और ये जो राजनीतिक गतिविधियां उभर कर सामने आई वो बिल्कुल ही यूरोप या पश्चिमी समाजों से अलग थीं जहां पर जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल ही एक औपचारिक तरीके से काम कर रही थी जो सामाजिक आंदोलन थे वो सामाजिक आंदोलन उस व्यवस्था के भीतर अपने लिए स्थान खोजने में कामयाब हो रहे थे लेकिन भारतीय संदर्भ में दिक्कत यह थी कि यहाँ जो राजनीतिक संस्थाएं थीं वो बहुत ही मजबूती के साथ स्थापित नहीं हुई थी और नेहरू के बाद के दौर में और ख़ासतौर पर जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो कई तरीके के संकट से यह व्यवस्था घिरती गई और इसके कारण से अलग तरह की राजनीतिक गतिविधियों का उभार हुआ और इसमें कांग्रेस सरकार की विफलताओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कांग्रेस की सरकार ना तो आर्थिक संकट से निपट पा रही थी और ना महंगाई रोक पाने में समर्थ थी और भ्रष्टाचार पर भी वह लगाम नहीं लगा पा रही थी इसके कारण से एक तरह का राजनीतिक असंतोष जो पैदा हुआ उससे सात तरह के आंदोलनों आंदोलन आगे बढ़े या उन आंदोलनों को खाद पानी मिला अब यहाँ जो ये आंदोलन है इसमें से कुछ आंदोलन आ, सत्तर के दशक में आरंभ हुए और उसी दशक में आ, उन आंदोलनों की एक तरीके से पूर्णाहुति हो गई उनका जो भी लक्ष्य था उसमें सफल या विफल होते हुए वह खत्म हो गए पर कुछ आंदोलन जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसे रहे जिनका कि प्रभाव उसके बाद के दौर में भी कायम रहा और अगर वो खुद आंदोलन अपने आ, स्वरूप को जिस स्वरूप में उनका उभार हुआ था उसको वो कायम नहीं रख पाए तो भी उनके द्वारा जिन प्रवृत्तियों को जिन प्रश्नों को उठाया गया था या जिन प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया गया था वो बाद के दौर में भी कायम रही तो ऐसे जो सात तरह के आंदोलन हैं उस पर हम एक नज़र डालेंगे जो पहली प्रवृत्ति या पहले तरह का जो आंदोलन था वह गुजरात में चले निर्माण आंदोलन और बिहार में चले संपूर्ण क्रांति आंदोलन के रूप में सामने आया था और इस पर सर्वोदय और समाजवादी विचार का मिला जुला प्रभाव था छात्रों और युवाओं की यह स्वतंत्र गोलबंदी दक्षिणपंथी और मध्यवर्ती राजनीतिक दलों से अलग किस्म की थी और यहाँ पर आ, मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे क्योंकि हमने एक अलग अध्याय के रूप में आपातकाल का भी जिक्र किया है एक अलग एपिसोड में तो उसमें आ, आप ये बात आ, आपको याद होगी या एक बार फिर से आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं कि कैसे आपातकाल लगने के पहले के दौर में जो छात्र आंदोलन गुजरात नवनिर्माण आंदोलन या बाद में बिहार छात्र आंदोलन उभर कर सामने आया उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और इन आंदोलनों के उभार में समाजवादी नेताओं की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी बाद में जयप्रकाश नारायण इसमें सम्मिलित हो गए थे और ये जो गोलबंदी थी वो एक तरीके से पिछड़े जो समूह थे उससे जो युवा कॉलेज में पहुंच रहे थे उनके द्वारा की गई थी या इसमें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी बिहार आंदोलन के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव या फिर अन्य समाजवादी नेता इससे जुड़े हुए थे जो बाद में बड़े समाजवादी नेता बने देश के बड़े नेता बने तो ये जो गोलबंदी थी वो काफ़ी हद तक विद्यार्थियों के मुद्दों से आरंभ हुई और बाद में उसका स्वरूप राजनीतिक बनता चला गया तो एक सामाजिक आंदोलन हमेशा ही राजनीतिक आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ सकता है और हम इनके बीच के संबंधों का जो उलझाव होता है उसको आगे एकाद और उदाहरणों से देखेंगे जब हम गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया का वर्णन करेंगे जो दूसरी प्रवृत्ति या दूसरे तरीके का जो आंदोलन था वह जमींदारों और ठेकेदारों द्वारा शोषित और दमित आदिवासियों किसानों के बीच मार्क्सवादी लेनिनवादी विचार वाले वर्ग आधारित नक्सलवादी आंदोलन के रूप में सामने आया और यह भारतीय राज्य को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा था और अपने आरंभ हालांकि इसका इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक बंगाल के एक छोटे गांव से हुई भूमि का मसला उससे जुड़ा हुआ था गोलबंदी का आधार भी वही था लेकिन जैसे जैसे यह आंदोलन फैला इसने भी एक राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू किया और हमें यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि बंगाल बिहार आंध्र केरल और महाराष्ट्र में फैली यह बगावत संगठित कम्युनिस्ट पार्टियों के सुविधाजनक वामपंथ का विकल्प देने का आग्रह भी कर रही थी इसका मतलब यह था कि ये संसदीय राजनीति के रास्ते को बिल्कुल सही नहीं मान रहे थे इस आंदोलन से जुड़े हुए नेता औ, और और जिसमें कि चारों मजुमदार और कई अन्य नेता सम्मिलित थे और इनका ये कहना था कि अगर वास्तविक अर्थों में देश में बदलाव करना है तो हमें यह कोशिश करनी होगी कि भारतीय राज्य की प्रकृति बदले और इसके लिए वो चुनावी राजनीति पर भरोसा नहीं करते थे हालांकि हम यह देखेंगे कि सत्तर के दशक का आरंभ होते होते तक ये कई धड़ों में बढ़ जाते हैं लेकिन इस आंदोलन ने या इस तरह की जो प्रवृत्ति थी उसने जिन मुद्दों को उठाया या जिन जिस तरह की सोच को जन्म दिया वह आगे के दौर में भी कायम रही तो अगर हम नक्सल मूवमेंट के इतिहास को देखें तो हम यह पाएंगे कि सत्तर के दशक के मध्य तक ये कई छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं पर फिर से कुछ भाग जो हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं और यह आंदोलन जो बंगाल से आरंभ हुआ था वो आंध्र प्रदेश बिहार और देश के कुछ अन्य भागों में फैल जाता है और बाद के दौर में भारतीय राज्य के सामने नक्सलवाद की समस्या हमेशा मौजूद रहती है और आ, कई बार ये कमज़ोर होते हैं कई बार ये मज़बूत होते हैं कुछ क्षेत्रों में नब्बे के दशक में बिहार में काफ़ी लंबा संघर्ष चला भूमिहीन किसानों के के और जमींदारों के बीच में या भूमिपतियों बड़े भूमिपतियों के बीच में और ये जो इसके पीछे जो नक्सलवादी सोच के जो संगठन थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी बाद में 2004 में जो कुछ नक्सल ग्रुप थे उन्होंने आपस में मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का गठन किया मैं सिर्फ कहना यह चाह रहा हूँ इस पूरे विवरण के दौरान के माध्यम से कि जि, जिस प्रवृत्ति को जन्म आ, इस तरीके के आंदोलन ने दिया या जिस तरीके के मुद्दे इससे सामने आए वह बाद के दौर में भी कायम रहे तो ऐसा नहीं था कि यह सिर्फ सत्तर के दशक तक ही सीमित था और यह बाद में भी हमारे सामने मौजूद है तीसरी जो आंदोलनकारी प्रवृत्ति या तीसरे तरह का जो आंदोलन था वह महाराष्ट्र और तमिलनाडु में दलित पैंथरों के नेतृत्व में सामने आया और इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रवृत्तित विमर्श को और आगे बढ़ाने पर जोर दिया और उन्होंने वर्ग के बजाय जातिगत शोषण और दमन को केंद्र बनाकर जुझारू राजनीतिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया और ये भी एक ऐसे सामाजिक आंदोलन के रूप में सामने आता है जो बाद में सत्ता की राजनीति की ओर भी आगे बढ़ा सीधे तौर पर यह आंदोलन नहीं लेकिन बाद में जो बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ उन्नीस में जिसके बारे में एक पूरा एपिसोड मौजूद है इसी चर्चा के श्रृंखला में तो उसको अगर आप सुनेंगे या बहुजन समाज पार्टी से किसी से जुड़े सम किसी पुस्तक को पढ़ेंगे या कांसी राम से जुड़ी किसी पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप यह पाएंगे कि सत्तर के दशक में धीरे धीरे करके कई सामाजिक स्तर आंदूल, के आंदोलन आंदोलनों या संगठनों के माध्यम से कांसी राम ने अपनी गोलबंदी शुरू की और दलित पैंथर्स जो थे वो जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो जिसकी परिकल्पना अंबेडकर के विचारों में थी और जो बाद में कुछ भागों में बट गया और वो संसदीय राजनीति तक भी सीमित होने लगा एक तरीके से उसकी उसका जो ढीलापन था उसकी एक प्रतिक्रिया के रूप में दलित पैंथर्स के उभार को हम रेखांकित कर सकते हैं जिन्होंने बहुत ही रेडिकल तरीके से अम्बेडकर के विचारों को सामने रखा और इसके माध्यम से जो प्रवृत्ति उभर कर सामने आई हम यह देख सकते हैं कि वह प्रवृत्ति बाद के दौर में भी आगे बढ़ी जैसे कि मैंने देश के अन्य भागों में उदाहरण दिया कि वो कांसी के द्वारा बनाए गए संगठनों डी एस फोर इत्यादि संगठनों के माध्यम से आगे बढ़ी और यह विचार जो है वो आज भी यानी कि जो मूल विचार है कि अंबेडकरवादी राजनीति के माध्यम से या अंबेडकर के सोच के माध्यम से जो देश में जातिगत विषमता है या जो जाति के आधार पर भेदभाव है उसको प्रश्नांकित किया जाना चाहिए ये जो एक सोच है वो अभी भी मौजूद है बल्कि इसे मजबूती ही मिली है और वो अलग अलग संगठनों के माध्यम से काम कर रहा है सीधे तौर पर सिर्फ राजनीतिक दल के रूप में नहीं हालांकि बाद में इसकी एक इसका एक, एक दड़ा राजनीतिक दल के रूप में भी सामने आया लेकिन यह प्रवृत्ति कई सामाजिक आंदोलनों के रूप में भी आगे बढ़ी है और उसमें आप यह देखेंगे कि अलग अलग स्थानों पर जो अम्बेडकर के आ, लेखन के माध्यम से या उनके प्रतीक के माध्यम से जो वंचित समूह हैं जो दलित समूह हैं वो खुद को गोलबंद कर रहे हैं तो ये प्रवृत्ति सत्तर के दशक में सामने आई चौथी प्रवृत्ति महिलाओं की जत्थेबंदियों की थी जो अनुसंधान और सक्रियता के जरिए वर्ग और जेंडर का मुद्दा सामने रख रही थी संयुक्त राष्ट्र ने 1976 से 1985 के बीच स्त्री दशक मनाने की घोषणा की थी और भारत सरकार ने भी उन्नीस में भारत में स्त्रियों के हालात पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने का मंसूबा बनाया था जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे जब हम महिला आंदोलन का जिक्र करेंगे तो लेकिन एक बार फिर से हम देखें कि यह प्रवृत्ति जो सत्तर के दशक में रेखांकित की गई एक आंदोलन के रूप में महिलाओं के बीच में जो मुद्दे उभर कर सामने आ रहे थे और वो मुद्दे कई स्तरों के थे यानी कि वो मुद्दे थे यौन उत्पीड़न से संबंधित वो मुद्दे थे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो प्रतिनिधित्व से जुड़े हुए निकाय हैं मिसाल के तौर पर विधायिका राज्य स्तर की या संसद इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम क्यों है और महिलाओं से जुड़ी हुई जो अलग अलग तरह की अन्य समस्याएं थीं सबसे बड़ी समस्या यह थी कि महिलाओं की संख्या लगातार कम हो रही थी और जो उनकी शिक्षा की स्थिति थी उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा था और भी ऐसी कई समस्याएं जो कि महिलाओं के जीवन से जुड़ी हुई थीं उन पर बातचीत आरंभ हुई उन पर लेखन आरंभ हुआ और वो एक ऐसा मुद्दा था जो कि बाद के दौर में भी कायम रहा मिसाल के तौर पर हम ये देखेंगे कि अभी भी आज के दौर में भी आ, महिला आरक्षण के मुद्दे पर काफ़ी बातचीत होती रहती है वाद विवाद चलते रहता है और महिला संगठन जो हैं वो इस बात पर जोर देती रहती हैं कि महिला आरक्षण यानी कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए जो तैंतीस प्रतिशत सीट हैं, उनको आरक्षित करने की जो बात है वो पूरी हो उसी तरीके से समान नागरिक संहिता का मुद्दा है जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में अभी भी कायम है तो ये प्रवृत्ति जो है हालांकि ऐसा नहीं था कि सत्तर के दशक में ही आरंभ हुई यह प्रवृत्ति पहले भी इसकी इसकी एक जड़ों को हम तलाश सकते हैं और यही बात अम्बेडकर आंदोलन के बारे में भी सच है क्योंकि अम्बेडकर ने अपने पूरे जीवन में इस तरीके के आंदोलन को बढ़ावा देने की बात की लेकिन एक खास दशक में इन्हें और ज़्यादा मजबूती मिली आज़ादी के बाद के दौर में और वो उन्होंने इन आ, 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 इस आंदोलन के या इस तरीके की प्रवृत्तियों के, के उभारने जिन पहलुओं को या जिन आयामों को सामने लाने की कोशिश की उसके लिए आज भी संघर्ष या जद्दोजहद चल रहा है ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है पांचवी प्रवृत्ति पर्यावरण के मुद्दे के इर्द गिर्द विकसित हो रही सक्रियता से संबंधित थी इस दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में चिपको आंदोलन फूट पड़ा और केरल शास्त्र साहित्य परिषद ने साइलेंट वैली में बांध बनाने के खिलाफ मुहिम शुरू की पर्यावरण आंदोलन की इस अनूठी इन अनूठी अभिव्यक्तियों ने प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण के सवाल उठाए जो वर्ग संघर्ष तक जाते थे उन्होंने विकास के मौजूदा प्रारूप को प्रश्नांकित किया और पारिस्थितिकी व सामाजिक न्याय के पहलुओं पर जोर दिया और आ, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को चिपकों आंदोलन के बारे में जानकारी होगी लेकिन चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में आरंभ हुआ था आ, और जिसमें कि महिलाएं और जो दूसरे ग्रामीण लोग थे वो पेड़ों से चिपक जाते थे क्योंकि वो पेड़ों को काटने नहीं देना चाहते थे तो ये जो एक आंदोलन की पूरी प्रवृत्ति थी वह चिपको आंदोलन उसमें एक सबसे बड़ा मील के पत्थर के रूप में माना जाता है और बाद के दशक में इस तरीके के आंदोलनों की संख्या बढ़ती गई इस तरह के आंदोलनों से संबंधित अध्ययन भी बढ़ते गए और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि और वह बात यह है कि अक्सर यह माना जाता है कि जो पर्यावरण आंदोलन विकसित हुए वो पर्यावरण आंदोलन मुख्य रूप से पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित हैं लेकिन जैसा कि अमिताभ बावेशकर ने अपने लेखन में दिखाया है कि जो इस तरीके के आंदोलन थे उन आंदोलनों की बुनियाद में एक जीविका का मसला भी था लाइवलीहुड का इशू भी था चाहे वो चिपकों आंदोलन हो चाहे वो साइलेंट साइलेंट वैली का मसला हो या बाद के दौर में जितने सारे आंदोलन उभर कर सामने आए अगर हम उनको देखें तो।, तो ये दोनों चीज़ें मिली हुई थी अमिताभ बावेशकर यह कहती हैं कि अक्सर उसको शहरी मध्यम वर्गीय कार्यकर्ताओं ने एक रंग दे दिया एक ऐसे आंदोलन का जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ था पर शायद स्थानीय लोगों के लिए वो जीविका का मसला ज़्यादा था लेकिन अभी हम जिस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं उसके संदर्भ में हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि जो पर्यावरणीय आंदोलन था जो सत्तर के दशक में बहुत ही मजबूती से उभर कर सामने आया और बाद के दशक में भी यह मौजूद रहा वह एक ऐसा आंदोलन या उसने एक ऐसी प्रवृत्ति को जन्म दिया जो कि देश के विभिन्न भागों में आज भी आ, अलग अलग आंदोलनों के रूप में मौजूद हैं और जैसे मैंने एक पहले तथ्य की ओर आपका इशारा किया था कि इनमें से अधिकांश आंदोलनों की बात जिसके जिसके संदर्भ में हम सत्तर के दशक में बात कर रहे हैं उनकी एक बुनियाद आ, हम या उनका एक विकास का शरा हम अतीत में भी खोज सकते हैं अतीत से मेरा मतलब है कि चार पाँच छः सात आठ दशक पहले भी हम देख सकते हैं कि किसी न किसी रूप में ये मुद्दे उभर कर सामने आ रहे थे हालांकि नए संदर्भों में नए तेवर के साथ वो मुद्दे सामने आए मिसाल के तौर पर बाद के अध्ययनों में यह बात सामने आई कि बीस के दशक में भी कई स्थानों पर जो संघर्ष चल रहे थे उसमें पर्यावरण का मुद्दा भी था या अगर हम और आ, गहराई से जाकर देखें तो जो संघर्ष आदिवासियों ने किया अंग्रेज़ों के खिलाफ उसमें हम यह नहीं कह सकते हैं कि पर्यावरण का मुद्दा बिल्कुल गायब था क्योंकि अगर वो जो संघर्ष था उसके पीछे जो एक बुनियादी सोच थी वो ये थी कि स्थानीय लोगों का ही वहाँ के संसाधनों पर हक़ होना चाहिए और इन संसाधनों का बेमतलब का दोहन नहीं होना चाहिए अंग्रेज़ों के हितों को पूरा करने के लिए तो वहाँ भी एक पर्यावरण का मुद्दा था तो ऐसा नहीं है कि ये सारे आंदोलन या जो सारी प्रवृत्तियाँ जिनकी हम सत्तर के दशक में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एकदम नई थी लेकिन यह बात ज़रूर है कि वो नए रूप में उभर कर सामने आई और उन्होंने और इनमें से अधिकांश ने ऐसी प्रवृत्तियों को जन्म दिया जो कि बाद में भी काफ़ी प्रासंगिक बनी रही हैं और यहाँ तक कि आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं छठी प्रवृत्ति आदिवासी राजनीतिक अस्मिता से संबंधित थी जिसने अलग झारखंड राज्य झारखंड प्रदेश बनाने की मांग बुलंद की और झारखंड आंदोलन के बारे में आ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ जानकारी जरूर होगी लेकिन मैं बस यह बताना चाहूँगा कि झारखंड राज्य की मांग काफ़ी पुरानी थी और ये जो आ, मांग थी वो औपनिवेशिक शासन के दौर में ही शुरू हो गई थी चालीस के दशक में बाकायदा एक झारखंड पार्टी का भी गठन किया गया था 1939 में इनफैक्ट वो उसका एक गठन हुआ था जयपाल सिंह मुंडा उसके नेता थे और बार बार इस बात पर जोर दिया जाता था कि आदिवासियों के लिए एक अलग झारखंड राज्य बने जिसमें कि मौजूदा झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश और इस तरीके के जो आदिवासी इलाके हैं आसपास के क्षेत्रों को उनको मिलाकर एक राज्य बनाने की मांग की गई थी लेकिन निश्चित रूप से ये एक अस्मिता की मांग थी और संसाधनों का उपयोग भी इससे जुड़ा हुआ था और यह सत्तर के दशक में और ज़्यादा जोर शोर से सामने आया खासतौर पर यह वही दशक था जहाँ पर शिबू सोरेन का उभार होता है इस दशक के आरंभ में ही जो जयपाल से मुंडा हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन होता है तो ये जो एक गुलबंदी थी जो कि संस्थात्मक राजनीति से अलग हटकर थी जो कि रा, राज्यों की मांग के रूप में सामने आई वह प्रवृत्ति भी सत्तर के दशक में हम देखते हैं आ, बाद के दशक में आ, आगे चलकर 2000 में झारखंड प्रदेश का गठन होता है लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि आदिवासी अस्मिता की राजनीति से से संबंधित जो मुद्दा था वो खत्म हो गया उस पर आज भी कई तरीके के आंदोलन चल रहे हैं अलग अलग तरीके के कानूनों की मांग हो रही है कुछ कानूनों में संशोधन करने की मांग हो रही है कुछ कानूनों को निरस्त करने की मांग की जा रही है तो ये आंदोलन अभी भी कायम है और हम यह भी देख सकते हैं कि दो तरह के आंदोलन कई बार मिल जाते हैं यानी कि जो आदिवासी अस्मिता की बात है और जो नक्सलवादी आंदोलन की जो प्रवृत्ति है कई स्थानों पर बस्तर जैसे स्थानों पर एक दूसरे के साथ मिल भी जाती है तो ये एक प्रवृत्ति थी जो कि उभर कर सामने आई सत्तर के दशक में ही इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाने की घटना ने भी इन सामाजिक आंदोलनों को एक प्रतिरोधात्मक उछाल दिया उन्नीस में आपातकाल के उठने यानी कि उसके खत्म होने और फिर कांग्रेस की चुनावी पराजय ने इन राजनीतिक गतिविधियों में जबरदस्त उत्साह का संचार किया इसी प्रक्रिया के गर्व से सातवीं प्रवृत्ति ने जन्म लिया जो मानव अधिकार और नागरिक अधिकार आंदोलनों की थी और ये जो आ, आंदोलन थे मानव अधिकार या लोकतांत्रिक अधिकार आंदोलन जिसमें मुख्य रूप से पी यू सी एल पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज या पी यू डी आर पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ये जो दो संगठन हैं और ऐसे ही कई अन्य संगठन अलग अलग राज्यों में बने उनको एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और इसके पीछे जैसे मैंने आपको बताया जो आपातकाल का अनुभव था उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही कई सारे लोगों ने कई सारे एक्टिविस्टों ने महसूस किया कि जो राज्य की शक्ति है उसके खिलाफ नागरिकों की जागरूकता और राज्य की गलतियों को जो लोकतंत्र लुक्त, का सिद्धांत है या जो हमारे संविधान की आत्मा है या संवैधानिक प्रावधान है उसके माध्यम से लगातार दिखाना संविधान के द्वारा जो साधन दिए गए हैं उनका लगातार प्रयोग करके नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करना ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो जिन्हें करने की ज़रूरत है बस इस संदर्भ में हमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं था कि सत्तर के दशक के आखिर में या उन्नीस में ही यह प्रवृत्ति आई इस प्रवृत्ति को भी हम अतीत में देख सकते हैं अलग अलग रूपों में नागरिक अधिकारों की बात की जाती है आ, तीस के दशक में जवाहरलाल नेहरू ने इस पर काफ़ी जोर दिया इसके पहले महात्मा गांधी और अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी थे वह भी नागरिक अधिकारों के लगातार बात करते रहे थे लेकिन आ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर में नागरिकों के अधिकारों मानवाधिकारों की बात करना और उसे सुनिश्चित करने के लिए संगठन बनाते हुए जो राज्य की गलत कार्रवाइयाँ हैं उनका व्यवस्थित विरोध करना ये जो प्रवृत्ति है वह एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में 1970 के दशक में के आखिर में आपातकाल लगने के बाद सामने आई और हम यह देख सकते हैं कि वर्तमान समय में भी यह प्रवृत्ति मौजूद है बहुत सारे जो नागरिक आ, अधिकार संगठन हैं वो काम कर रहे हैं और वो लगातार ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं जिस पर कई बार मीडिया का ध्यान नहीं जाता है मुख्यधारा के राजनीतिक दल उस पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो कई बार वोट की राजनीति से जुड़े नहीं होते हैं मीडिया का ध्यान इसलिए नहीं जाता है कि ये घटनाएं इतनी बड़ी नहीं होती हैं तब तक जब तक कि बहुत सारे लोगों की हत्या ना हो जाए लेकिन कई छोटी छोटी घटनाओं चाहे वो कॉस्टोडियल वॉयलेंस की बात हो या फिर मजदूरों को सही रूप में वेतन ना देने की बात हो इस पर ऐसे संगठनों ने लगातार काम किया है और वो अभी भी काम कर रहे हैं तो ये एक ऐसी प्रवृत्ति है सामाजिक आंदोलनों के रूप में जो उभर कर सामने आई और ये आ, जो संगठन हैं वो अक्सर जो संविधान द्वारा प्रदत्त प्रक्रियाएं हैं उन्हीं का सहारा लेते हैं और कई बार ये छोटे छोटे धरने प्रदर्शनों के माध्यम से या अपने लेखन के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे राज्य जो है उसकी गतिविधियाँ कई बार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं और इस संदर्भ में राज्य को अपनी गतिविधियों को सीमित करने या ज़्यादा न्यायपूर्ण बनाने की ज़रूरत है तो ये जो सामाजिक आंदोलन की विविध प्रकृतियाँ हैं उससे ये सब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हैं वो तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था की व्यापक राजनीतिक सांस्कृतिक आलोचना प्रस्तुत कर रही हैं इनमें तरह तरह की विचारधाराएं, रणनीतियां, और सांगठनिक रुझान डूब उतरा रहे थे कई विवाद भी थे हिंसा अहिंसा का विवाद भी था मिसाल के तौर पर जो पी यू सी एल या पी यू डी आर जैसे संगठन हैं उनके भीतर ये मुद्दा जरूर रहा है कि क्या डेमोक्रेटिक राइट्स में हम हिंसक साधनों के इस्तेमाल के अधिकार को मान सकते हैं पी यू डी आर के भीतर इस तरह का वाद विवाद चलते रहा है संविधानमुख संविधानोन्मुख और रहने बनाम संविधानेतर हो जाने का विवाद भी होता है क्रांतिकारी परिवर्तन बनाम तंत्र में सुधार तजवीज करने की बहस भी इसमें रही है सो चुनाव राजनीति में भाग लेने या गैर चुनावी संगठन बने रहने के बारे में भी वहा रहा है बहुत सारे ऐसे संगठनों में विकास योजनाओं को लागू करने में सरकार से सहयोग लेने या न लेने की भी दुविधा रही है किसी एक समाज वैज्ञानिक सिद्धांत में इनका सूत्रीकरण एक बहुत बड़ी चुनौती हमेशा से मानी जाती थी यहाँ जो प्रमुख बात हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये कि ये जो कई तरह के की प्रवृत्तियाँ जिनका कि मैंने जिक्र किया जो एक अलग अलग सामाजिक आंदोलनों के रूप में थी वो सत्तर के दशक में उत्पन्न हुई और जैसा मैंने आपको बताया कि उनमें से बहुत सारी अभी भी अलग अलग रूपों में मौजूद हैं लेकिन उन्नीस uh, uh, के दशक में जो uh, बदलाव हो रहे थे और जिस तरीके के सवाल uh, कई सामाजिक संगठनों के सामने थे उसको कैसे सूत्रबद्ध किया जाए यानी कि क्या uh, आंदोलन के माध्यम से व्यापक राजनीतिक बदलाव हो सकता है क्या ऐसे सामाजिक आंदोलनों को किसी दूसरे संगठन से पैसा लेना चाहिए या फंडिंग प्राप्त करनी चाहिए क्या राजनीति से इनका सीधा जुड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये ऐसे मुद्दे थे जिन पर सूत्रीकरण करने का काम करने के लिए करने में रजनी कोठारी ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने गैर पार्टी राजनीतिक संरचना का विचार प्रस्तुत किया और अस्सी के दशक में असल में अगर हम इसको थोड़े साफ तरीके से समझें कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे उभर कर सामने आई तो हमें यह बात हमारे सामने आएगी कि अस्सी के दशक में रजनी कोठारी और धीरूभाई सेठ ने आ, जो पूरी बदलाव की प्रक्रिया चल रही थी सामाजिक आंदोलनों में उसको समझने के लिए गैर गैरदलीय परिप्रेक्ष्य का सूत्रीकरण किया रजनी कोठारी और धीरूभाई सेठ एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर सी में लोकायन की स्थापना की एवं एक परामर्शकारी समूह का गठन किया रजनी कोठारी जैसा कि पीछे की कई चर्चाओं में यह बात आई होगी और आगे भी हम इसका जिक्र करेंगे कि वो भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण व्याख्याकारों में से एक रहे हैं और उन्होंने सी एस डी एस यानी कि सेंटर फॉर द स्टडीज़ ऑफ़ डेवलपिंग सोसाइटी का गठन किया रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम पोलिटिसजेशन ऑफ कास्ट जैसी अवधारणाएँ दी थी पहले जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कैसे काम करती है इसके बारे में एक समझ बनी जिसका कि मैंने जिक्र किया है जब उस एपिसोड में जहाँ पर मैं कांग्रेस पार्टी की चर्चा कर रहा था फिर पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट की उन्होंने बात की तो हमेशा ही एक ऐसे सिद्धांतकार के रूप में रहे जिन्होंने भारतीय राजनीति के विविध आयामों को समझने की कोशिश की धीरूभाई सेठ या डी एल सेठ धीरूभाई लाल सेठ इनका पूरा नाम था और इन्होंने भी अपने लेखन या अपने वक्तव्यों के माध्यम से भारतीय राजनीति की नवीन तरह की व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश की जो चीज़ें ज़मीन पर चल रही थी उसको कैसे सूत्रबद्ध किया जाए इस बारे में उन्होंने काम किया और जो लोकायन था वो एक प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया सी में और इसका मकसद यह था कि जो शिक्षाविद हैं या विभिन्न संघर्षों से जुड़े जमीनी कार्यकर्ता एवं नीति निर्माताएं हैं उनके बीच में संवाद स्थापित किया जाए इस संकल्पनात्मक विचार विमर्श ने भारत में चलने वाली राजनीतिक बहस में एक नवीन आयाम जोड़ा और यहीं से रजनी कोठारी और धीरूभाई सेठ के चिंतन में गैरदलीय राजनीति के विचार ने एक व्यवस्थित स्वरूप ग्रहण किया इन विद्वानों ने ऐसे आंदोलनों को नागरिक समाज के गैर संस्थागत दायरे में सक्रिय गैर पार्टी राजनीतिक संरचनाओं के रूप में देखा इनका मानना था कि आपातकाल की पराजय और फिर जनता पार्टी शासन की विफलता ने चुनावी लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को हिला दिया है और चुनावी राजनीति के साथ जुड़े भ्रष्टाचार और अनैतिकताओं से लोगों का मोह भंग हो गया है जिसकी अभिव्यक्ति इन नई राजनीतिक संरचनाओं में हो रही है ये जो नई राजनीतिक संरचनाएं थीं उन राजनीतिक संरचनाओं के बारे में एक साफ समझ हमें रखनी होगी कि मुख्य रूप से ये आ, मुद्दे ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जो कि एक खास क्षेत्र को या एक खास तबके को प्रभावित कर रही थी यानी कि अगर कहीं आ, कोई ऐसा आंदोलन चल रहा है जो कि आ, बांध के खिलाफ बनने वाले बांध के खिलाफ है और जो जिसका सीधे राजनीतिक दल से जुड़ाव नहीं है तो उसे इसमें सम्मिलित किया जा सकता है कहीं मजदूरों के अधिकार के लिए कोई आंदोलन चल रहा है तो उसे इसमें सम्मिलित किया जा सकता है तो ए, इस तरह की संरचनाएं इसमें आ, शामिल की गई और इसमें यह भी कहा गया कि राज्य की जो निरंकुश होने की प्रवृत्ति है उसे रोकने के लिए जो नागर समाज है या जो नागरिक समाज है उसे इन जो राजनीतिक संरचनाएं हैं उनके माध्यम से एक तरीके की निगरानी करनी होगी मैंने पहले भी इसी एपिसोड में आपको बताया है कि राजनीतिक और सामाजिक का जो द्वंद्व है अगर हम सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन में अंतर करते हैं तो वो अंतर बहुत ही महीन है और सिर्फ व्याख्यात्मक समझ के लिए है क्योंकि राजनीति की व्यापक समझ में हर एक पहलू हर एक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन के रूप में होता है लेकिन जब कोई आंदोलन सीधे तौर पर आ, सत्ता की राजनीति या सत्ता को अपने कब्जे में लेने से संबंधित नहीं होता है तो उसको मोटे तौर पर आ, कई बार नए सामाजिक आंदोलनों का दर्जा दिया गया और यह कहने की और यहाँ पर जो रजनी कोठारी और धीरू भाई सेठ हैं उन्होंने उसको दलीय राजनीतिक परंपरा राजनीतिक संरचना के रूप में देखा यानी कि उन्होंने इसे राजनीतिक माना क्योंकि यह भी लोगों के अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे राज्य की भूमिका को सीमित करने की बात कर रहे थे या फिर ये इस बात से जुड़े हुए थे कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हक जो है वो लोगों को दिलाया जाए तो ये राजनीतिक थे लेकिन ये उनके हिसाब से दलीय राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे तो उन्होंने इसको गैरदलीय नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेसेस uh, के रूप में या गैर गैरदलीय राजनीतिक प्रक्रियाओं के रूप में उन्होंने इसको uh, प्रस्तुत किया गैर दलीय राजनीति की संज्ञा का प्रयोग आमतौर पर उन सामाजिक आंदोलनों मानवाधिकार संगठनों तथा स्वैच्छिक संगठनों के संदर्भ में किया जाता है जो जमीनी स्तर पर मानव अधिकार एवं पर्यावरणीय मुद्दों के साथ साथ शोषितों वंचितों की समस्याओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति बने हुए हैं दलीय राजनीति की संकल्पना अस्सी के दशक में ज़्यादा ठोस रूप में सामने आई इस दौरान कई तरह के जन आंदोलन उभरे जिन्होंने आम जनता के हितों की रोशनी में स्थापित राजनीतिक प्रक्रिया की खामियों को उजागर किया साथ ही कई संगठनों ने औपचारिक राजनीतिक संरचनाओं के बाहर न केवल सार्वजनिक नीतियों के ऊपर आम लोगों के बीच में बहस का माहौल बनाया बल्कि कई तरह के संरचनात्मक काम भी अपने हाथ में लिए इस प्रकार गैर गैरदलीय संकल्पना औपचारिक राजनीति की कमजोरियां उजागर करने वाले आंदोलनों और संरचनात्मक कामों में जुटे संगठनों के संदर्भ में प्रयुक्त हुई एक बड़ी सैद्धांतिक परियोजना के तहत रजनी कोठारी धीरूभाई सेठ एवं हर्ष सेठी ने गैर दलीय राजनीति की संकल्पना को सांस्थानिक राजनीति के विकल्प के रूप में देखा दलीय दृष्टिकोण के अनुसार संसद न्यायपालिका नौकरशाही जैसी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका में हाल के वर्षों में काफ़ी गिरावट आई है राज्य की संस्था लोक कल्याणकारी भूमिका के निष्पादन की क्षमता तेजी से खोती जा रही है राजनीतिक गतिविधि को अंजाम देने वाले महत्वपूर्ण नेटवर्क कमजोर पड़ते जा रहे हैं तथा सांस्थानिक उन्नति की इस सिलसिले को थामने में भारत के राजनीतिक दल भी पूरी तरह से विफल हो चुके हैं इन आंदोलनों ने अब यहाँ इस बिंदु पर आगे जाने से पहले मैं बस ये आपके सामने साफ़ करना चाहूँगा कि राजनीतिक दल किसी मुद्दे को तभी उठा रहे थे जब उससे उनको वोट मिलने की संभावना हो और अगर कोई बड़ी परियोजना है ये एक मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा जो काफ़ी हद तक आज के संदर्भ में भी सही है एक बड़ी परियोजना है जो कि एक बहुत बड़े फर्म के द्वारा बहुत बड़े कॉरपोरेट हाउस के द्वारा संचालित की जा रही है उस बड़ी परियोजना को जब लागू किया गया जमीनी स्तर पर हिंदुस्तान के किसी भी भाग में तो वहाँ पर यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति उभरती है कि जो लोग होते हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं क्योंकि ऐसी बड़ी परियोजनाएं अक्सर अब जो कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं उनके फायदे के लिए लाई जाती हैं और उससे स्थानीय लोगों के हकों को आ, मारा जाता है या उनके हक की उपेक्षा की जाती है तो जब ये विरोध शुरू होता है तो राजनीतिक दल तब तक उस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देते हैं जब तक उन्हें अगले चुनावों में हार का डर ना हो यह भी हो सकता है कि राजनीतिक दल अगर ऐसे किसी कॉरपोरेट हाउस से चंदा ले लें तो वो ऐसे विरोध आंदोलनों को काफी हद तक इजिटिमेट या अवैध करार देने की कोशिश करेंगे तो ये जो राजनीति की जो पूरी प्रक्रिया है दलीय राजनीति ने उसकी बुनियाद पर ही सवाल किया और उसने ये कहा कि कैसे एक लोक कल्याणकारी राजनीति के बजाय जो राजनीतिक दल हैं वो सत्ता के राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं और जो दूसरे गैरदलीय समूह हैं वो असल में यह कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक ज़्यादा सशक्त वैकल्पिक आवाज़ बना जाए तो ये जो आंदोलन थे उनकी खास बात यह है कि ये परंपरागत आंदोलनों की तरह किसी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं आ, और ये आंदोलन अभी भी चल रहे हैं अस्सी के दशक में भी थे बल्कि इन्होंने कुछ नवीन किस्म के मुद्दों जैसे कि पर्यावरण मानवाधिकार महिला अधिकार समलैंगिकों के अधिकार आदिवासियों के अधिकार दलितों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ विकास परियोजनाओं से विस्थापन के प्रतिरोध जन स्वास्थ्य कुपोषण वन एवं सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार आदि से संबंधित मुद्दों को उठाया है और ये ऐसे मुद्दे हैं जो आमतौर पर आ, कई बार आ, जो मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं उनके एजेंडे से गायब रहते हैं मैं यह नहीं कहूँगा कि हमेशा गायब रहते हैं लेकिन उन पर ये बहुत ही गहराई से आ, काम नहीं कर पाते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संगठन उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जिन्हें पूरा करना राज्य का कर्तव्य है मसलन इनके अधिकांश मुद्दे संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों से संबंधित होते हैं रजनी कोठारी के अनुसार वामपंथ की मुख्य धारा से अलग काम कर रहे वाम संगठनों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित चिपकों आंदोलन छत्तीसगढ़ के खनिकों का संघर्ष आंध्र के रयत कुली संघों का आंदोलन ग्रेनाइट के खनन और निर्यात के खिलाफ कर्नाटक के कनकपुरा में किसानों का सत्याग्रह और आदिवासियों के संघर्ष जैसे अनेक संगठन एवं आंदोलन हैं जिन्हें गैर दलीय राजनीति के खाके में रखा जा सकता है आ, ये तमाम लड़ाइयाँ आर्थिक एवं राजनीतिक मांगों तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि पारिस्थितिकीय सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक प्रश्नों को भी अपने दायरे में समेट ले रही हैं संसदीय लोकतंत्र में किसी भी समस्या के समाधान के लिए आवश्यक होता है कि उसे राजनीतिक अभिव्यक्ति प्रदान की जाए यह काम राजनीतिक दलों का माना जाता है लेकिन संस्थानिक अवनति के इस दौर में राजनीतिक दल भी पूरी तरह से विफल प्रतीत हो रहे थे और हम यह कह सकते हैं कि आज भी यही स्थिति है और जनता की समस्याओं का समाधान करने की बजाय वे चुनाव के समय वोट प्राप्त करने के लिए लोक लुभानवादी घोषणाओं का सहारा ले रहे थे या अभी भी ऐसा कर रहे हैं ऐसी परिस्थिति में गरीबों एवं शोषितों की समस्याओं तथा मानव अधिकार बाल अधिकार महिला अधिकार पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई आंदोलन एवं संगठन सामने आए जहां सरकार के साथ मिलकर विकास के लाभ आम जनता तक पहुंचाने का कार्य किया वहीं कई संगठनों ने इन मुद्दों पर आंदोलन चलाए और इन्हें राजनीतिक अभिव्यक्ति प्रदान की कोठारी और सेठ के इस विमर्श को देख लगता था कि सभी राजनीतिक सामाजिक आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं लेकिन परिस्थिति इससे कहीं पेचीदा थी पर्यावरण आंदोलन के साथ जुड़े कई संगठन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के साथ अपने निकटता का इस्तेमाल भी कर रहे थे इसी तरह स्त्रियों का आंदोलन अपने हक में कानून बनाने के लिए सरकार को राजी करने में कामयाब हो गया हालांकि ऐसे कानून के लिए समाज के धरातल पर कोई मांग नहीं हो रही थी आ, तो कई बार हम ये देख सकते हैं कि आ, जो ये गैरदलीय राजनीतिक प्रक्रिया है उसमें जो समूह हैं वो लगातार एक संवाद की स्थिति में रहते हैं कई बार जो इसकी आलोचना में हम देखेंगे कि ऐसे समूह भी राजनीतिक दलों के द्वारा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं इस पहलू पर जब हम गैरदलीय राजनीतिक प्रक्रिया की आलोचना पर बात करेंगे तो थोड़े विस्तार में इसकी चर्चा करेंगे लेकिन जिस तरह सत्तर के दशक में सामाजिक आंदोलन के रूप में पहचाने की प्रवृत्तियाँ बाद के दशकों में भी सक्रिय रहीं जिसके बारे में मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया उसी तरह गैरदलीय प्रक्रिया के रूप में जिस प्रकार के आंदोलनों को शिनाख्त की गई विवाद के दशकों में भी सामने आए मुख्य और अभी भी ऐसे कई आंदोलन चल रहे हैं मुख्य धारा की राजनीति या राजनीतिक दलों के साथ इनका जुड़ाव हमेशा ही विवाद का विषय रहा है और ये हम हर एक आंदोलन में ये इस तरह का डिलेमा देख सकते हैं 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है और उस समय एक ऐसी स्थिति भी आई जहां पर जो अन्ना हजारे थे वो नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी का गठन किया जाए चुनावी राजनीति की ओर लोग बढ़ें लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके जो साथी थे उन्होंने फैसला किया कि वो अब राजनीतिक दल के रूप में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो एक डिलेमा रहता है वो हमेशा ही रहता है कि वो सीधे तौर पर खुद राजनीतिक दौड़ राजनीतिक दौड़ में शामिल हो जाएं या सामाजिक आंदोलन के रूप में या गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में राजनीति को प्रभावित करते रहे अब अगर हम गैर दलीय राजनीति से संबंधित विवादों और आलोचनाओं की बात करें एक पहलू की तो मैंने आपसे पहले ही बात कर ली कि राजनीतिक दलों से उनका जुड़ाव एक विवाद और आलोचना का विषय बना रहता है लेकिन इसके अलावा भी जो गैर दलीय राजनीति प्रक्रिया का सैद्धांतिकरण है या जमीनी स्तर पर ऐसे संगठनों को जो काम है उनसे जुड़े हुए कई विवाद या कई आलोचनाएं सामने आती रही हैं इन इन आंदोलनों के साथ कुछ ऐसी समस्याएं भी देखी गई हैं जिसकी वजह से गैरदलीय राजनीति की संकल्पना अपने आविर्भाव के समय से ही विवादों का सामना कर रही है सबसे पहले तो वामपंथियों की आलोचनाएं हैं जिनकी मुख्य आपत्ति इस राजनीति को मिलने वाले धन को लेकर है मार्क्सवादी नेता प्रकाश काात ने कई संगठनों को मिलने वाले धन को लेकर आक्षेप लगाए हैं उनके अनुसार उनके अनुसार गैरदलीय राजनीति जो होती है वह समाज के शोषित एवं वंचित लोगों को क्षणिक सुविधाएं दिलाकर उनके असंतोष को कम कर देती हैं जिसके कारण गरीब जनता क्रांति के मार्ग से विमुख हो जाती है करात के मुताबिक यह साम्राज्यवादी देशों द्वारा गरीबों को गुमराह करने का ही प्रयास है इसके साथ दूसरी समस्या राजनीतिक दलों के साथ इनको इनके संबंधों को लेकर उत्पन्न होती है जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं किशन पटनायक और योगेंद्र यादव जिन्होंने इस पर काफ़ी सूत्रीकरण करने की कोशिश की कि गैरदलीय राजनीतिक गैरदलीय जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसका राजनीतिक दलों से क्या संबंध हो सकता है उनका यह मानना है कि एक लोकतांत्रिक शासन में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उसका राजनीतिकरण आवश्यक होता है यह कार्य चुनावी राजनीति एवं राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जा सकता है अतः यह भी एक गंभीर सवाल है कि गैरदलीय राजनीतिक संरचनाएं राजनीतिक दलों के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करें वह संबंध संवाद का हो सकता है हम कई तरह के राजनीतिक गैर राजनीतिक समूहों को देख सकते हैं जिन्होंने सरकार के साथ संवाद किया और संवाद उन्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं होता है कई बार जो गैरदलीय राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़े समूह होते हैं उनकी शिकायत होती है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई प्रस्ताव नहीं दिया जा रहा है कि बातचीत करें किसान आंदोलन जो कि पिछले एक साल तक चला उसमें यह मुद्दा बार बार सामने आया इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पूरा अनुभव था उसमें भी एक लंबे समय तक किस तरीके का लोकपाल कानून बनना चाहिए उसमें अन्ना हजारे की टीम और जो यूपीए की सरकार थी उसके बीच में बातचीत हुई हालांकि वो टूट गई किसान आंदोलन में भी बातचीत होती रही तो ये एक तरीका है जहाँ पर सीधे तौर पर जो सामाजिक आंदोलन के समूह हैं जो कुछ मांगों को रख रह रहे हैं वो सरकार से बातचीत करें दूसरा तरीका यह है कि वो खुद राजनीतिक दल गठित करें या खुद को एक राजनीतिक दल से जोड़ लें और उसके माध्यम से जिस तरीके के बदलाव की परिकल्पना वो कर रहे हैं उन बदलावों को लागू करें जैसा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने आम आदमी पार्टी को बनाकर किया खैर गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया की तीसरी समस्या यह है कि ये आंदोलन छोटे छोटे स्थानीय किस्म के, के मुद्दों पर आधारित होते हैं इस वजह से जैसे ही संबंधित मांगें पूरी हो जाती हैं या मुद मुद्दे अप्रासंगिक हो जाते हैं आंदोलन भी समाप्त हो जाते हैं और यह हम देश के विभिन्न भागों में चलने वाले कई आंदोलनों के बारे में कह सकते हैं इसलिए इसे और अधिक स्थायी बनाने के लिए एक आंदोलन को दूसरे आंदोलन से जोड़ने की ज़रूरत है हालांकि इस तरह की कोशिशें की जाती हैं और इस तरह की कोशिशें एक साझा मंच के रूप में सामने भी आती हैं लेकिन हम इन आंदोलन ये बहुत ही प्रासंगिक साबित हो पाए हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं मिसाल के तौर तो पर वन अधिकार कानून जब बन रहा था तो उसमें डिग्निटी सर्वाइवल फॉर डिग्निटी करके एक संगठन बना था आ, और उसमें आ, जो पूरा संगठन था वो वन अधिकार कानून को पारित कराने के लिए था आ, वन अधिकार कानून आ, पारित आ, हो गया और उसके बाद वह संगठन काफ़ी हद तक अप्रासंगिक हो गया जहाँ तक गैर सरकारी संगठनों को होने वाली फंडिंग की बात है तो इस समस्या की ओर रजनी कोठारी ने भी ध्यान आकर्षित किया है और इस वजह से इसी वजह से उन्होंने पैसा उगाही करने वाले ऐसे संगठनों को गैरदलीय राजनीति के परिधि से अलग रखकर देखा है गेल ओमवेट ने भी अपनी रचना री इन्वेंटिंग रिवोल्यूशन में सामाजिक आंदोलनों की पड़ताल की है हालांकि गेल प्रशिक्षण से मार्क्सवादी थी पर उन्हें लगता था कि सामाजिक आंदोलन में सक्रिय शक्तियाँ विद्वानों द्वारा किए गए वर्गीकरण किसी को पर्यावरणवादी या किसी को नारीवादी की श्रेणी में फिट करके देखने के प्रति ये जो पूरी प्रवृत्ति है वो उसको सही नहीं मानती वो उसके प्रति असहज है अपनी इस रचना में उन्होंने वर्ग जाति जेंडर और पर्यावरण के सवाल के बीच संबंधों की अधिक बारीक व्याख्या करने पर जोर दिया इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि हम जो पर्यावरण के लिए आंदोलन है उसको पूरी तरीके से नारीवादी आंदोलन से अलग नहीं कर सकते हैं और भी कई पहलू इसमें जुड़े हुए थे एक सहभागी प्रेक्षण की प्रवृत्ति सामने आई रामचंद्र गुहा ने चिपको आंदोलन का अध्ययन द अनक्वाइट वुड्स में पेश किया जो फील्ड वर्क के माध्यम से सहभागी प्रेक्षण का उदाहरण था सहभागी प्रेक्षण की इस तकनीक का एक लाभ यह हुआ कि विद्वानगढ़ आंदोलन को आ, की प्रस्तुत आत्मछवि से परे जाकर उसके भीतर झांक पाने में समर्थ हुए वे यह दिखा पाए कि आंदोलन का कार्यकर्ताओं और नेताओं से किस तरह का संबंध है और एकीकृत लगने वाले आंदोलन में विरोधाभास और अंतर्विरोध कैसे काम कर रहे हैं यानी कि वो ज़्यादा गहराई में जाकर इसकी विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर पाए अमिताभ बाविस्कर का नर्मदा बचाव आंदोलन का अध्ययन इसी तरीके का एक अध्ययन माना जा सकता है जो कि उनकी पुस्तक इन द वैली ऑफ द रिवर के रूप में सामने आया नब्बे के दशक में एक खास तरह की विशिष्टता और उसके बाद के दौर में भी सामने आई और वह यह थी कि भारतीय जो सामाजिक आंदोलन थे वे ग्लोबल नेटवर्कों और गठबंधनों के साथ जुड़ने लगे दलित संगठनों ने नस्लवाद विरोधी आंदोलन के साथ सूत्र बना लिए पर्यावरण के आंदोलनों आंदोलन न्यू लिबरल भूमंडलीकरण के विरोध करने वाली मुहिमों के साथ जुड़ गई आदिवासी अधिकारों की मांग बुलंद करने वाले आंदोलनों ने इंडिजिनस पीपल या मूल निवासी या देशज लोगों की अंतर्राष्ट्रीय मुहिमों का पल्ला थाम लिया इसी के साथ नब्बे के दशक में देसी विदेशी पूंजी से चलने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी एन की परिघटना ने भी सामाजिक आंदोलन पर गहरा असर डाला है आज एन वर्ल्ड सोशल फोरम जैसे मंच और सामाजिक आंदोलनों के बीच परस्पर व्यापी संबंध है जिसका विश्लेषण और सूत्रीकरण किया जाना बाकी है निष्कर्ष के रूप में मैं यह कहूँगा कि भारतीय संदर्भ में सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन जो है मुख्य रूप से सत्तर के दशक में आरंभ हुआ और वो किस रूप में आया उसकी मैंने आपके सामने एक व्याख्या प्रस्तुत की हर दशक एक अध्ययन की इस अध्ययन में कुछ नई तरह की विशिष्टताओं को सामने लेकर आया और विद्वानों द्वारा इनका सूत्रीकरण करने का प्रयास किया गया पुराने दशक की प्रवृत्तियां नए दशक में भी मौजूद रहीं इन अध्ययनों की ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता है ताकि नई प्रवृत्तियों की समझ बने और उन आयामों को भी विश्लेषण में सम्मिलित किया जाए जो विश्लेषण के बाहर छूट गए हैं मुझे ये उम्मीद है कि आ, हमारे आज की इस पूरी चर्चा में आप सामाजिक आंदोलनों के अर्थ सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के आपसी जुड़ाव और उनके अंतर और विभिन्न तरह के सामाजिक आंदोलनों के स्वरूप को समझ पाए होंगे मुझे यह भी उम्मीद है कि मैं आपको मौजूदा समय में जो राजनीतिक जो सामाजिक आंदोलन हैं और जो राजनीतिक दलों से उनके जुड़ाव की जो पूरी दुविधा है उसकी एक समझ दे पाया होऊंगा। अगले एपिसोड्स में हम अलग अलग तरीके के सामाजिक आंदोलनों के बारे में बातचीत करेंगे जिसमें कि किसान आंदोलन ट्रेड यूनियन आंदोलन और महिला आंदोलन सर्वप्रमुख हैं तो आज के इस एपिसोड को मैं यहीं खत्म करता हूँ और अगले एपिसोड में हम भारतीय राजनीति से जुड़े एक अन्य पहलू की विस्तार से चर्चा करेंगे नमस्कार